Unit 2. Okay, mention the date here. 8/7/21. Okay, this is Dr. Samuel's children. Okay, this is a story narrated by a boy named Jojo. Okay, that Jojo was a student and he was going to school every day, and regularly he was watching that Dr. Samuel was very much fond of gardening, okay, and talking to the flowers, okay, and that boy was inspired by doctor, right? Let us see. Dr. Samuel was my neighbor. He loved gardening. Every morning on my way to school, I would see him bending over the pots and doing something or the other. He would be trimming his plants or singing softly as he watered his plants with a watering can. Often I have found him talking to the plants, calling them by their names. Okay beta, Dr. Samuel was my neighbor. Wo jo bol raha hai kya ki Dr. Samuel mera padosi tha. Okay, he loved gardening. Dr. Samuel ko gardening karna pasand tha. Every morning on my way to school, I would see him bending over. Bending over matlab jhuka hua. Okay, over the pots, matlab pot ke upar. Okay, jhuka hua kuch karta hota, ya to flowers aur plants se baatein karta, ya to unhe pani deta aur kuch karta rehta. Okay, and doing something or the other. He could be trimming. Trimming means कटिंग चटिंग करना. ओके, ट्रिम करते हैं ना. ओके, हिज प्लांट्स और सिंगिंग सॉफ्टली मतलब धीमी आवाजों में वो गाना गाता. ओके, एज ही वॉटर्ड हिज प्लांट्स विथ अ वॉटरिंग कैन. ओके, वॉटरिंग कैन, दिस इज वॉटरिंग कैन इन हिज हैंड. ओके, ऑफन आई हैव फाउंड हिम टॉकिंग. ओके, टॉकिंग, डॉक्टर फूलों से पौधों से बातें करता रहता. ओके, टू द प्लांट्स, कॉलिंग देम बाय देयर नेम्स. ओके, इन फूलों को वो नाम से बुलाता था. ओके, डिफरेंट फ्लावर्स दे ही वॉज कॉलिंग बाय नेम. ओके, माय डार्लिंग डालिया, प्लीज स्माइल एट मी. ही वुड से, माय स्वीट लिटिल रोज, प्लीज ओपन योर फेस. ओके, वो डालिया से और रोज से इस प्रकार बातें करता. माय डियर डार्लिंग, मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज़ स्माइल एट मी, मुझको मुझसे मुस्कुरा दो. ओके, आई वुड से, माय स्वीट लिटिल रोज़, प्लीज़ ओपन योर फेस. वो बोलता रोज़ से है क्या कि प्यारे रोज़ तुम अपने फेस मेरे लिए खोल दो. ओके, देन आई वंडर्ड इफ द प्लांट्स वुड रियली हियर वट ही सेड, बट सरप्राइजिंगली वुड सी अ ब्यूटिफुल डालिया स्माइलिंग एट एवरी वन हु पास्ड बाय, और अ फ्यू रोजेस ओपनिंग देयर फेसेस अ फ्यू डेज लेटर. ओके, आई वंडर, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि यदि पेड़ या तो पौधे जो उनकी बात सुनते तो क्या बात समझते तो क्या फील करते, सुनते तो क्या फील करते. बट सरप्राइजिंगली वो आश्चर्यचकित होकर कहता है, वुड सी द ब्यूटिफुल डालिया स्माइलिंग, और वो देखता है आश्चर्यचकित होकर कि डालिया उसको देखकर, किसको देखकर, डॉक्टर सैमुअल को देखकर मुस्कुराते हैं. ओके, एट एवरी वन हु पास्ड बाय. ओके, डालिया जो फ्लावर है और रोसेस है वो उधर से जो कोई गुजरता है उससे देखकर अपना स्माइल देता है. ओपनिंग देयर फेसेस अ फ्यू डेज लेटर. ओके, और ये जो बातें करता है ये पौधे
जो कोई उधर से आते जाते हैं उन्हें अपना स्माइलिंग देता है और वो थोड़े दिन में खिल भी जाता है. राइट देन डॉक्टर सैमुअल लिव्ड अलोन. द प्लांट्स वेयर लाइक हिज चिल्ड्रन. इट इज हैपेंड दैट अ बिग बिल्डिंग वॉज गोइंग टू कम अप इन आवर स्ट्रीट एंड इन ऑर्डर टू मेक स्पेस फॉर इट सम बिग ट्रीज हैड टू बी कट डाउन. इट वॉज unfortunate that the trees had to go. No one could do anything but watch as people clapped them down. Chopped them down. Okay? Here Dr. Samuel lived alone. Wo Dr. Samuel akela hi rehta tha. Okay? The plants were like his children. Aur wo ped podon se itna pyar karta tha ki wo apne bacche ke saman rakhta tha. और वो बुलाता भी था कि तुम ये मेरे प्यारे डार्लिंग डालिया, मेरे प्यारे दोस्त रोज़. ओके. सो इट सो हैपेंड दैट अ बिग बिल्डिंग वॉज गोइंग टू कम. और ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग वहाँ पर बनने वाला था. ओके. वो स्ट्रीट में, स्ट्रीट मीन्स उस गली में, राइट. एंड इन ऑर्डर टू मेक स्पेस, ऑर्डर टू मेक स्पेस मीन्स वहाँ बिल्डिंग के लिए जगह तैयार करने के लिए, सम बिग ट्रीज मतलब वहाँ के कुछ पेड़, बड़े पेड़, हैज़ टू बी कट डाउन, वहाँ के बड़े पेड़ काट दिए जाएंगे. ओके. इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट द ट्रीज हैड टू गो. ओके. वो एक दुखदायक बात थी कि वहाँ के कुछ पेड़ को काट डालना पड़ेगा. ओके. सो नो वन कुड डू एनीथिंग बट वॉच एज पीपल चॉप्ड देम डाउन. ओके. अब इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता. ओके. और लोग उन्हें पेड़ कटिंग होते हुए देख रहे थे. ओके. वन डे इट रेन्ड हैविली, सो हैविली दैट अ लॉट ऑफ मड केम डाउन ऑन द रोड, मेकिंग इट वेरी मैसी एंड डेंजरस. Dr. Samuel had a difficult time coming back home after work. The collector had declared a holiday for schools, so I remained at home. I could see Dr. Samuel in his veranda looking very serious. It seemed as if something was worrying him. In this para, what happens? One day, एक दिन, it rained heavily, एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई. So heavily that the lot of mud, इतना ज़्यादा कि वहाँ के कुछ मिट्टी वहाँ पर आ गए. Okay, गिर कर आ गए down to the road. Okay, road में बहुत सारी मिट्टियाँ गिर कर आ गए. Making it very messy. Okay, messy and dangerous, जगह को बहुत बुरा हाल कर दिया. Okay. Then, Dr. Samuel had a difficult time coming back from home, back from work. Okay, Dr. Samuel को बहुत परेशानी हुई उसको अपने ड्यूटी से घर आने तक. Okay, the collector had declared a holiday for schools. Okay, वहाँ का जब बारिश हुई, रास्ता बंद हो गया, तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि स्कूल हॉलीडे रखा जाए. Okay, स्कूल छुट्टियाँ कर दिया जाए. So I remained at home. यहाँ पर जो बोल रहा है, स्कूल हॉलीडे कर दिया जाए, इस वजह से मैं घर पर रहा. I could see, मैंने देखा, Dr. Samuel in his veranda. जो ने देखा कि Dr. Samuel अपने वरांदा में looking very serious. Okay, वो बहुत गंभीर लग रहा था. ओके. It seemed as if something was worrying him. ऐसा लग रहा था कि उससे कोई चीज परेशानी में डाला था. ओके. कोई चीज ऐसे था जो उन्हें परेशान किया था. ओके. देन गुड आफ्टरनून अंकल, आई शाउटेड. किसने शाउट किया? जोजो ने. ओके. जोजो ने शाउट किया, गुड आफ्टरनून अंकल, आई शाउटेड. ओके. देन ही लुक्ड एट मी एंड वेव्ड, गुड आफ्टरनून जोजो. आई लुक्ड लाइक, इट लुक्ड like this rain is going to last for two more days. He looked
up at the sky and wrinkled his nose. Okay, he looked at me and waved. Okay, डॉक्टर ने किन्हें देखा? जोजो को देखा. गुड आफ्टरनून जोजो, और उन्होंने रिप्लाई भी किया कि गुड आफ्टरनून जोजो. ओके, इट लुक्स लाइक दिस रेन इज गोइंग टू लास्ट फॉर टू मोर डेज. और उसने कहा कि ये लगता है कि ये जो बारिश और भी दो दिन के लिए आने वाला है. ओके, ही लुक्ड अप एट द स्काई एंड रिंकल्ड हिज नोज. और उन्होंने, डॉक्टर ने क्या किया, आसमान की ओर देखा और उन्होंने अपने नोज को हाथों से सहलाया. ओके, देन दैट इवनिंग ऑन टीवी वी सो न्यूज अबाउट लैंडस्लाइड्स इन मैनी प्लेसेस. इट लुक्ड रियली बैड. मैनी पीपल डाइड एंड मैनी अदर्स लॉस्ट देयर होम्स. आई डिस्कवर्ड दैट कटिंग डाउन द ट्रीज हैड कॉस्ट मच डैमेज. ओके, इसमें क्या होता है, दैट इवनिंग, और उसी दिन का ढलती पहर पे ऑन टीवी, ओके, टीवी में ऐसे न्यूज़ आया कि लैंडस्लाइड इन मेनी प्लेसेस, बहुत सारे जगह पे लैंडस्लाइड हुए. ओके, भूकंप हुए. ओके, जमीन धसकर आ गए. ओके, ऐसे इट लुक्ड रियली बैड, और वो बहुत ही बुरा लगा. ओके, गंदा लगा. ओके, मैनी पीपल डाइड. ओ, ये न्यूज़ सुनकर उनको बहुत अच्छा नहीं लगा. ओके, बहुत बुरा लगा. बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई, डाइड, एंड मैनी अदर्स लॉस्ट देयर होम्स, और बहुत सारों ने अपने घर को खोया है. आई डिस्कवर्ड, उन्हें क्या समझ में आया, उन्हें लगा कि दैट कटिंग डाउन द ट्रीज हैड कॉस्ट मच डैमेज. और उन्हें यह लगा कि शायद पेड़ काटने से यह सब नुकसान एवं हानि हुई है. ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे यू हैव टू रीड दिस ट्वाइस एज फॉर योर होमवर्क. ओके.